आज के समय में किसी भी व्यक्ति के बाल सफेद होना एक सामान्य सी बात है। आज आपको किसी के भी बाल सफेद दिखाई दे सकते हैं, आप अपने घर में भी किसी को भी देख सकते हैं, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र अगर ज़्यादा है तो भी आप में होगा, ये आप में 10 साल की उम्र में, 12 में, 15 में, 20 में, 25 में भी हो सकता है। पहले लोगों में उम्र बढ़ने पर बाल सफेद हो जाते थे, पहले लोगों में 50-60 की उम्र में बाल सफेद होते हैं, लेकिन आपको अब कोई भी उम्र में बाल सफेद हो सकते हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। मेरा नाम है पंकज पारिक और आज मैं आपको बाल सफेद होने के कुछ मेन रीजन है, कुछ मेन कारण है, उनके बारे में बताऊंगा। तो आज आपको बिना स्किप किए वीडियो देखने, क्योंकि वीडियो के बाद लास्ट में एक सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स को और प्रेस करें बेल आइकन को हेल्थ से जुड़ी कोई भी नई अपडेट जानने के लिए। कम उम्र में बाल सफेद होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स। आप में जेनेटिक्स के कारण भी बाल सफेद हो सकते हैं। अगर आपके माता पिता, दादा दादी के भी अगर आपकी आयु में बाल सफेद हुए हैं, अगर आप जिस आयु में हैं उनमें भी अगर बाल सफेद हुए हैं उनके, तो आप में बाल सफेद होना आम बात है। इससे आप में बाल सफेद हो सकते हैं और आप इससे कलर करके ही अपने बालों का रंग बदल सकते हैं हमेशा के लिए। अगर आप में जेनेटिक्स के कारण बाल सफ़ेद हैं तो आप बालों का रंग वापस नहीं बदल सकते, आप कुछ समय के लिए कलर ज़रूर कर सकते हैं। तो दूसरा कारण है जो बालों का रंग सफ़ेद होने का, वह है तनाव। तनाव से भी आप में बाल सफ़ेद हो सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी बात का तनाव है और आप उसके लंबे समय तक वो तनाव डिप्रेशन रहता है, तो आपके बालों की कोशिकाएं उससे कमज़ोर होती हैं। दो दर तरह की एक रिसर्च से पता चला था कि तनाव से बालों की कोशिकाएं कमज़ोर होती है और इससे बाल झड़ना और बाल सफ़ेद होना हो सकता है। तो अगर आपको किसी बात की चिंता रहती है या नींद नहीं आती, नींद पूरी नहीं लेने से भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, और अगर आप में किसी बात का तनाव रहता है तो आपके बाल सफ़ेद होना लाजमी है। तो बाल सफ़ेद होने का ये थे दो रीज़न, और अब तीसरा रीज़न है अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। विटामिन B12 आप में ऊर्जा देता है और उसकी विटामिन B12 की सेल्स आप में आपके बालों को ऊर्जा देते हैं, पूरे शरीर को ऊर्जा देते हैं, और उसके सेल्स आपके बालों तक ब्लड पहुंचाते हैं। अगर आप में विटामिन B12 की कमी होती है तो आपके बालों को पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी और उन्हें पूरा ब्लड नहीं मिलने पर झड़ भी सकते हैं और आप गंजे हो सकते हैं या आपके बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर ध्यान में रखें कि अगर आप विटामिन B12 को कम ले रहे हैं तो उसकी आपूर्ति कीजिए, और विटामिन B12 की सेल्स से मेलानिन सेल्स बढ़ती है, और जिसे मेलानिन सेल्स आपके बालों में या आपके शरीर में रंग देने के लिए उत्तरदायी होता है। मेलानिन हार्मोन स्रावण से ही आपके बाल काले हो सकते हैं। और इसका चौथा और अंतिम जो कारण है वह है धूम्रपान। अगर आप किसी भी तरह से धूम्रपान करते हैं, आपको कोई भी प्रकार का नशा है या आप स्मोक करते हैं, तो आप में बाल सफ़ेद हो सकते हैं। धूम्रपान करने से आपके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, आपके फेफड़ों पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपके मस्तिष्क के साथ साथ आपके बालों पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, आपके बाल खराब हो सकते हैं, आपके बाल दो मुँहे हो सकते हैं, और किसी भी सिगरेट, बीड़ी या कोई भी धूम्रपान करने से आपके शरीर कमज़ोर होता है। इसलिए धूम्रपान हमें कभी नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। तो आज की थी हमारी ये वीडियो कि बाल सफ़ेद होने की कुछ मेन रीजन्स थे, और हम आपको कल बताएंगे, अगली अपनी वीडियो में बताएंगे कि अपने बालों को सफ़ेद से काले कैसे किए जाते हैं। तो आज हमारा सवाल है कि बालों के काले होने के, शरीर में रंग प्रदान के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, ये आप उत्तर में कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो धन्यवाद।